ये कौन सा शरबत बना के लाई हैं आप मसकली? आपको शायद पता है नहीं, लेकिन हम ईरान का खास खस जायके वाला शरबत ही पीते हैं। ये शरबत तो हम पीते ही नहीं कभी। माफ कीजिएगा शहजादे, हमें इल्म नहीं था, हम अभी दूसरा शरबत बनाकर लाते हैं। रहने दीजिए, हमारे पास पूरा दिन नहीं है। चलिए अब हम जरा जाकर नहाते हैं, गुसल खाने में जाकर थोड़ी देर सो भी जाएंगे, क्योंकि हमारी बचपन की आदत है, क्योंकि शाही खून है हम। बादशाह ने तो शरबत पिया ही नहीं, अब क्या होगा? अम्बिदान, हमारी पतंग कहाँ गई? आप ही देख लीजिए। सलीम की अब्बू, ये सब क्या है? अरे अब्बू किसके, अभी तो हम छोटे से प्याले से नन्हे से जलाल हैं। पानी साहिब, आज तो नहलाया भी हमने इन्हें। क्या? बहुत मुश्किल हुई। हमारा बड़ा खेलने का मन कर रहा है। हमारे साथ फुगड़ी कौन खेलेगा? फुगड़ी हम खेलेंगे। शहंशाह नहीं बल्कि नर्तकी होना चाहिए था। ये आप हमसे कह लें चाचू जान, अभी हमारी अब्बा खुबू बनने की उम्र नहीं है, उम्र तो आपकी है। अभी तो हम छोटे से प्यारे से नन्हे से जलाल है। सलीम के अब्बू क्या बोल रहे हैं आप? आपने हमारी अम्मी जान को देखा है क्या दादी अम्मा? अच्छा है आपकी अम्मी यहाँ पर नहीं है, वरना इस अधेड़ उम्र के बच्चे को देख कर उनको सदमा लग जाता। क्यों, हमारे सर पे क्या सींग निकल आए हैं? सींग नहीं जापना, सिंहासन। आप सिंहासन पर बैठिए और जनता की समस्या का समाधान कीजिए। ये लकड़बग्गा जैसा आदमी कौन है? भाई साहब। अरे तो आपने भैंसे को दरबार में क्यों आने दिया? अबू डांटेंगे। अरे आइए बाबा, हरकंपा जी आइए। आइए महाराज। अरे हरकंपा जी आइए, ये देखिए। बीरबल देखो ना, जहा बना एकदम बच्चे हो गए। देखा बाबा हड़कंपा, आपके श्राप ने जाबना की क्या हालत कर दी। बाबा हड़कंपा, हमारे जहा बना को फिर से मस्ती वाले जहा बना बना दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी बाबा हड़कंपा। नहीं कोई अनुकंपा, नाम है बाबा हड़कंपा। रानी, हमारे पास सिर्फ श्राप देने की शक्ति है, उसे वापस लेने की नहीं। ये क्या साफ साफ बोल रहे हैं? साफ कहाँ है साफ? इधर है साफ। ओ मतलब हमारे अब्बू, छोटे अब्बू, आप हमारे साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलेंगे? हाँ मुझे पता है सलीम भाई साहब, आप जंगल में जाके सांप लेकर आओ और मैं सीढ़ी लेकर आता हूँ दीवा। तो हम भी आपके साथ जंगल में चलेंगे, हमें भी शेर की सवारी करनी है। चलिए हम बात करते हैं। बाबा बाबा हड़कंपा जी, हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं, कृपा करके हमारे जापना को पहले जैसा बना दीजिए। आप वो जो यज्ञ करवाने वाले थे वो भी हम करवा देंगे। हमें और गुस्सा मत दिलाओ, श्राप था और रहेगा। नहीं कोई अनुकंपा, नाम है बाबा हड़कंपा। अरे बाबा जी बाबा हड़कंपा, इस बाबा को तो हम श्राप दे देंगे। रहम तो रम रहम, वैसे भी बादशाह अकबर बचपन में चले गए हैं, उल्टी गिनते गिनते ही वो खत्म हो जाएंगे।
हमारे जानी दुश्मन अकबर को मौत की नींद सुलाने का यह आखिरी मौका भी गवा दिया है तुमने। सुरसुरी जी हुजूर। जा खत्म कर दे इसकी अम्मी को। जो खुशी रुकी तुरंत हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हम तुम्हारे दुश्मन को खत्म कर देंगे। बस हमारी अम्मी जा। पहले अकबर को खत्म कर। या अल्लाह पहले अकबर को खत्म कर, उसके बाद होगा माँ बेटी का मिलन। नहीं तो दोनों कबल में लगना गले। कल नहीं तो आज हिंदुस्तान पे हमारा राज। हुजूर सब्र सब्र सबल तुल्लम सबल। दही भी थुप दाइए, हम ते बत्ते नहीं डाल सकते। दाल तू दलाल तू आई बला तो ताल तू, दाल तू दलाल तू आई बला तो दाल तू दलाल तू आई बला तो ताल तू दाल। जा बना जा बना, यहाँ है आप और हम कहाँ कहाँ। मुसक्कली जी आप भी सुबह से कहीं दिखाई नहीं थी। शुक्र है आपको हमारी फिक्र तो है। वो जरा बाजार गए थे हार खरीदने। ऐसी लाल मिट्टी तो किसी बाजार में नहीं होती, ये मिट्टी तो किसी पहाड़ पर। हम यहाँ पे आपकी बेकार की बातें सुनने नहीं आए चाचू जान। आपको हमारे साथ खेलना है तो खेलो, नहीं तो यहाँ से लघु फकर हो जाओ। क्या लघु फकर हो जाओ? फलू चक्कर रफू चक्कर हो जाइए, नहीं तो हमारे दिल में उतर जाइए। ए गंदे आदमी, आपको तलम नहीं आती? यहाँ पे एक छोटा सा बत्ता खड़ा हुआ है, उसके सामने आप आंख मार ले हो। आप सब के सब गंदे हो, मुझे आप लोग के साथ नहीं खेलना है। हम दाल हैं, हम दाल हैं। अरे फूफू कहाँ भाग रहे हो आप? अभी तो हमें जामुन के पेड़ पे बैठ के आम खाने भी जाना था। वासु जामुन के पेड़ पे आम नहीं जामुन मिलते हैं। आम हम साथ में लेके जाएंगे बिरबल जी। दिमाग सारा भाई साहब चलो ना चलो पेड़ पे चढ़ेंगे। अरे उन्हें पेड़ पर मत चढ़ाओ, पेड़ टूट जाएगा। ओह चापना बच्चे उठो उठो ना बच्चे, चापना बच्चे उठ। रानी साहिबा हम आपका दुख समझ सकते हैं, तो सोचने वाली बात यह है रानी साहिबा कि जो कुछ भी हो रहा है वो जापना की नींद में हो रहा है। जब भी जापना नींद से जागते हैं तो अपनी उम्र से 8-10 साल पीछे चले जाते हैं। अब इससे पीछे कहाँ जाएंगे? माँ की कोख में? अब इतनी बड़ी माँ की कोख कहाँ से लाएंगे हम? हाँ बहना इसका मतलब है सीधे मौत। ये संभव है? क्या उपाय? ए बिरबल बिरबल सुन रहा है ना तू? पता है रो रही है आप। ऐसा करते हैं कि जहां पना को सोने ही नहीं देते, किसी भी तरह इन्हें जगा ही रखे। अरे अब्बा हुजूर सोना नहीं है, आंखें बंद तो सांसें बंद, सोना नहीं है अब्बा हुजूर सोना नहीं है। हाँ बबू ये देखो सोना नहीं है, ये चांदी है। दीमाग ये नहीं, हमारे पास है नींद भगाने की दवा।
राग जाग नींद बाग। तो गाइए ना, जल्दी गाइए। अरे नींदिया मत आज आ, अरे नींदिया मत आज आ, तोरे बिना खुशी है यहाँ, अरे नींदिया मत आज जा, नींदिया जा, नींदिया जा, नींदिया जा, 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 जा। ये राग सुनकर तो हमें नींद आ रही है, कोई और राग सुनाइए। रानी साहिबा, लगता है जहापनाह को भूख की वजह से नींद आ रही है, आइए इन्हें खिचड़ी खिलाते हैं। ओ मसक्कली, जहापनाह की निकम्मी बनने की हमारा मतलब है अम्मी बनने की कोशिश ना करो। जहापनाह का दिमाग ना खिचड़ी के नाम से खिंच जाता है। पर अभी तो ये नन्हे बाल गोपाल जलाल है, अब देखिए इन्हें मैं कैसे चुप करवाती हूँ। अब ये जहर वाली खिचड़ी खाकर आप हमेशा के लिए सो जाएंगे जहापनाह। हम जानते हैं कि अब्बा हुजूर को खिचड़ी पसंद ही नहीं है, अब्बा हुजूर को भांग की लस्सी पसंद है। अब्बा हुजूर हम अभी लेके आते हैं। अरे अब्बा हुजूर सो गए। अरे सो रहे, सो रहे, जहापनाह सोइए मत। रानी साहिबा, किसी की सांसें रोकना मुमकिन है लेकिन नींद नहीं। गिली 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 गप्पा। अब तो एक ही तरीका है जहापनाह को बचाने का। अरे जहापनाह, अल्ले ले 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 ले, आजा बेटा, आजा आजा आजा, बीबल चाचू के पास आ जाओ। चल 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 बेटा, बीबल चाचू के पास आ जाओ। बीबल क्या कर रहे हो? रानी साहिबा, जहापनाह की जान बचाने उन्हें ले जा रहे हैं। अरे बहना, हमें तो लगता है बीरबल जी की नियत में खोट है, हमें उसके पीछे पीछे जाना चाहिए। हम जा रहे हैं। अरे पैसा, ओहो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये देखने आए हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिन्होंने जहापनाह की ये हालत की है उसी के सामने आप लेते आए हैं जहापनाह को मारने के लिए। ऐसे बचा रहे हैं जहापनाह को, जानी दुश्मन बिरबल। किसी पे अनुकंपा, नाम है बाबा हड़कंपा। अरे कहां से आ गया ये हड़कंप बचाने को नादान। अरे मूर्ख, कब तक बच्चे की तरह खिलखिलाता रहेगा और हमारी तपस्या भंग करता रहेगा? हा? हम तुझे अभी श्राप देते हैं। अरे मूर्ख, कब तक बच्चे की तरह खिलखिलाता रहेगा और हमारी तपस्या भंग करता रहेगा? हाँ, हम तुझे अभी श्राप देते हैं कि तेरा बचपन चल जाए और तू झट से बड़ा हो जाए। ओम हिम क्लीम ब्रिब्रम। हमारे जहापनाह, बहना जहापनाह अब नहीं उठेंगे। यहाँ रहते तो कम से कम उन्हें जगा के जिंदा तो रख सकते थे। बीरबल जी ने जहापनाह को मार डाला। क्या जरूरत थी हा? क्या जरूरत थी ये सब करने की बीरबल? आपको पता है ना, वो बाबा हड़कंपा एक बार श्राप दे देते तो वापस नहीं लेते। हाँ, बड़ी जान से उठा कर लेके गए ना। बीरबल चाचू के पास आओ, आओ कातिल चाचू।
अरे भाई कौन? अरे हमें इनकी गोद में किसने लेटाया? इसका खुद का बच्चा कभी इसकी गोद में नहीं लेटा। हटिए। जमना जिंदा है। जमना जिंदा है। तो आप लोगों को क्या लगा कि हम मुर्गा मतलब मुर्दा हो गए हैं? आप सब के सब हमारे सर पे क्यों खड़े? आप लोग जाइए ना यहाँ से, हमारे कक्ष में खड़े सारे जाइए। भाई साहब, अरे जा अपना। हुआ यूं था कि क्या हुआ? अंगूठा चूसने तक आ गए थे। हाँ बुबू, ऐसे। लेकिन हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा है जहांपना, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। अंगूठा चूसते तो आप हमारे खड़ूसी अच्छे हो। नहीं साहिबा, आप भी। ये बीच में क्या है? सौ बलवान से लड़ना आसान है, मगर एक बुद्धिमान को मात देना बहुत मुश्किल। जब तक बीरबल बादशाह सलामत के साथ है, बादशाह का कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे हुजूर बड़े मशहूर मसक्कली ठीक कह रही है। उसने तो अकबर को मारने की पूरी कोशिश की थी, पर वो कमबख्त बीरबल। बीरबल, अब हम तलाएंगे तुम्हारे दिमाग पे हल। और ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है हम। अकबर बीरबल को जुदा करके रहेंगे हम। मसक्कली आ रही है बीरबल, इश्क के जाल में फंसा कर मारेगी आपको पल पल। आज हम तुम्हें क्या कहें आपसे, हम अंधश्रद्धा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, आप भी मत रखिए। लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को असीम शक्तियां दी और प्रार्थना करते हैं कि आपको भी दे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी गुस्से में आकर, अहंकार में आकर अपने शक्तियों का गलत प्रयोग ना करें, जैसे बाबा हड़कंपा ने किया, बल्कि अपने शक्तियों को लोगों का अच्छा करने में, भला करने में लगाएं, ना कि उन्हें बर्बाद करने में। क्यों, बात समझ में आई? पना, हम सच सवर के आपके लिए खड़े हैं यहाँ पर, जल्दी आइए ना। आगे आगे रानी साहबा की जा। बीरबल आप? हाँ हम। रानी साहबा, ये आपके चेहरे पर। हाँ बीरबल, ये सब आपकी वजह से हुआ है। हमारी और नहीं तो क्या, हम जहाँ पना का इंतजार कर रहे थे, संसवर रहे थे उनके लिए। अरे लेकिन झापना है कहाँ? झापना हमारे लिए सजनीगंधा का फूल लाने गए। रानी साहिबा, वो सजनीगंधा नहीं, रजनीगंधा के फूल होते। बीरबल, उसे सजनीगंधा का फूल कहते हैं। सजनीगंधा का फूल इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। अरे नहीं नहीं रानी साहिबा, सजनीगंधा का कोई फूल नहीं होता, रजनीगंधा वो छोटे छोटे से। हम कह रहे ना बीरबल, आपको कैसे पता होगा सजनीगंधा का फूल क्या होता है? चापना हमारे लिए सजनीगंधा का फूल लाएंगे तो हमारा प्यार 28 जन्मों तक बना रहेगा, 28 जन्मों तक। जब एक प्रेमी एक प्रेमिका को वो बड़ा सा सजनीगंधा का फूल देता है ना, तो प्यार जन्म जन्म तक रहता है,
28 जन्मों तक जरूर आएंगे रानी साहिबा, दिल थाम के बैठिए क्योंकि लगने वाला है आपको बहुत बड़ा झटका। उफो! अब्बा हुजूर! उफो! अब्बा वासु, उस तरफ अब्बा हुजूर है क्या? नहीं है। उस तरफ है? नहीं है। आप घबराइए मत, जब तक आपके भांजे के ये फौलादी हाथ जिंदा है तब तक हम आपको गिरने नहीं देंगे, क्योंकि शाही खून है हम। हाँ, सलीम भाई साहब जो गिर गया वो मर गया। पिताजी उठो, पिताजी हम आपको कभी मरने नहीं देंगे। दीमा अमराज राज ना गुंडा राज यहाँ पर है, सिर्फ फूफू राज दीमा। हाँ मामू जान, वैसे हमने अब्बा हुजूर को पूरे महल में ढूंढ लिया, कैद खाने, घुसल खाने, मैं खाने, लेकिन हमें अब्बा हुजूर कहीं दिखाई नहीं दिए। यहाँ तक कि उनके बिस्तर के सिराने भी ढूंढ लिया, वहाँ भी नहीं मिले फूफू। अरे तुम लोग के दिमाग में जुए घुसी हुई है। अरे जहाँ पना जंगल में गायब हुए हैं और तुम लोग ढूंढ रहे हो महल में। तो पिताजी आपको क्या लगता है कहाँ ढूंढना चाहिए फूफू को, आप ही बताइए ना। भाड़ में जाओ तुम लोग। भाड़? सलीम भाई साहब इसका मतलब कि फूफू भाड़ में चले गए हैं। तो भाड़ किधर है? चल भाड़ में। फूफू हम आ रहे हैं भाड़ में। अब हुजूर भाड़ से बाहर आइए। अदम बाबला हिजा होशियार, मच्छर मार्च, मक्खी मार्च, क्योंकि जहां पना के बिना सोना है दरबार। सोना? सोना कह रहे थे बलदेव जी, सोना। अरे ये कौन का बक्स हो रहा है, हम दरबार आते ही हैं जागने के लिए, खुद को जगाने के लिए। जागते रहो, जागते रहो। पर हमारी आत्मा तो बुझती जा रही है बीरबल, 28 जन्मों का साथ निभाने का सपना देखा था हमने, इस जन्म में ही लाले पड़ गए। हमें तो लगता है कि गोरी छोरी काली ना पड़ जाए। आ जाओ जहां बना आ जाओ। रानी साहिबा की जय। बबूला रुक जाइए, आप सब बैठिए बैठिए, धरा दिया उसे, बैठ जाइए, चलिए बैठ जाइए, आइए आइए बबूला जी, आइए, डरिए मत, बताइए क्या खबर लाए। बीरबल जी, सोना गढ़ के जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन फिर भी जापना का कहीं पता नहीं चला। पर हाँ, जंगल के अंदर एक मनोहरी झील है जिसके तट पर हमें एक चीज मिली है। चीज? अरे हाँ, सजनी गंदा का फूल मिला होगा उन्हें। जरूर जरूर जहां पना ने वो सजनी गंदा का फूल झील के किनारे रखा होगा और वो खुद मगरमच्छ का शिकार करने तैरने निकल गए होंगे। वो आएंगे, तुम जल्दी से वो फूल लेकर आओ। रानी साहब आप बताइए, भोपूलाल जी क्या कौन सी चीज मिली आपको? देखता हूं। मुझे पता है यही है फूफू, देखो गर्दन पर तिल भी है। दीमा और यही कपड़े पहने थे चाह बनाने। गुलाब की इत्र की खुशबू भी आ रही है। इसका मतलब यह हुआ रानी साहबा कि जिसने भी जा बना का ये चित्र बनाया उसे जा बना के बारे में ताजा और बारीकी से जानकारी। अरे कौन है ये चित्रकार
जिसने किया है चमत्कार धरना। ओ, झील के पास मिला अक्स, राज है इसमें कुछ गहरा जिसे सुलझाएगा हमारा हमारा राग, हमारा राग, रागे पे रागे पर धावा। आप सही कह रहे हैं तानसेन जी, जंगल के सभी आदिवासी यही बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि मनोहरी झील में एक यक्षिणी का वास है। यक्षिणी? 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 यक्षिणी वो होती है जो प्रकृति की रक्षा करती है। मैं हूं यक्षिणी, इस झील की रक्षा। अगर किसी ने इसका पानी या बिन मेरी इजाजत आ जाएगी उसकी शाम। मित्र बीरबल, हमें लगता है उस यक्षिणी ने किया जा बना का भक्षण और उन्हें बना दिया चित्र चित्र। मनोहरी झील के मनोहर किस्से हमने भी बहुत सुने, बड़े विचित्र। इसका मतलब कि हमारे जहां पना ये चित्र बन गए और हम इनकी पत्नी, ये हमारे शौहर। इस यक्षिणी ने इन्हें चित्र क्यों बनाया? कोई पंछी बना देते जैसे कि कोयल। हम दोनों कीकू कीकू कुकू कुकू तक करते साथ में कीकू कीकू। कहा था ना रानी, लग गया ना झटका, अब बैठ के याद करो अपनी नानी। क्या है ये यक्षिणी का सत्य, स्वयं मनोहरी झील जाकर पता करना होगा। ओ जहां पना, ओ जहां पना, पहली बार प्रेम प्रतिज्ञा की फूल लाने गए थे, कागज के फूल बनकर लौट आए। हमारा मतलब है कागज के सनम। हो अब तो रोया भी नहीं जा रहा है, आंसू सूख गए। मंगनी दीदी सा गड़ी खंबा सा मारे को तो लागे से। क्या लागे सा? मारे को तो लागे से। अरे क्या लागे से? मारे को तो लागे से कि चीचा सा की कोई चाल तो नहीं। क्या अब्बा हुजूर शाही खून है हम, और हम आपके लिए लाए हैं मीठे मीठे अंगूर। लावे लीजिए अब्बा हुजूर, खाइए 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 ना। नहीं खा रहे, हम ही खा लेते। अरे ये तो तीखे हैं। हाँ मुझे पता सलीम भाई साहब, मैंने अंगूर को अचार में डुबो दिया था, क्योंकि फूफू को तीखा बहुत पसंद है ना, इसलिए दिमाग। और साथ में चटपटा शरबत भी बनाकर लेकर आया हूँ। सलीम भाई साहब हटिए, फूफू पी लीजिए ना शरबत, फूफू पीजिए ना शरबत, फूफू पीजिए पीजिए। नहीं पी रहे। हमें तो लगता है कि आज अब्बा हुजूर का शाही उपवास है। ये भी कोई उपवास है? अरे उपवास तो हमारे मैके में लोग क्या करते थे, और क्या उपवास करते थे, क्या उपवास करते थे। अरे खाना पीना तो दूर, सांस भी अंदर नहीं लेते थे। अरे सांस से याद आया, देखे तो इनकी सांसें चल रही कि नहीं। सांस 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 सांसें चल रही है, सांसें चल रही है, चल रही है। लाओ शरबत हम पी लेते। क्या हुआ फूफी, आपने शरबत क्यों नहीं पिया? सासू बहुत अच्छा शरबत है, बहुत ही अच्छा शरबत है कि हमें नहीं पीना। मुझे पता है फूफी, इसीलिए तो मुझे कहते हैं डासू, क्योंकि इस प्याज के शरबत को बनाने में मेरे निकल गए थे आंसू। प्याज का शरबत?
हाँ पारा फूफू, शरबत की एक चुस्की लीजिए ना फूफू, पीजिए ना फूफू, एक चुस्की शरबत की कीमत आप क्या जाने फूफू बाबू। खामोश खरगोश। तो यही वो जगह है जहां से जापना गायब हुआ। क्या सचमुच में कोई यक्षिणी है जिन्होंने जापना को तस्वीर बना दिया, या फिर जापना? अरे जापना कहां है आप? शीतल निर्मल झील का पानी। चलिए बीरबल, पहले प्यास बुझाई जाए। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुम इस झील का पानी ग्रहण नहीं कर सकते। ओहो, तो आप ही हैं, क्या कहते हैं उसे, वो यक्षिणी? आप सचमुच में हैं? यदि हमने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और ये पानी पी लिया तो उसका अंदाजा तो तुम्हें हो ही जाएगा। बहना, हमें कुछ कहना है। ये बीरबल जी दरबार में दिखाई नहीं दे रहे, कहां गए होंगे? अभी अभी हम झील के किनारे थे, अचानक महल में कैसे आ गए? आप यहां? ये मेरी शक्तियों का असर है। अब समझ आया मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना कोई उस झील से पानी नहीं पी सकता। यक्षिणी जी, हमें माफ कर दीजिए, आपके चमत्कार को हमारा नमस्कार, मगर आपने ऐसा किया क्यों? हिंदुस्तान के बादशाह को तस्वीर में क्यों कैद कर दिया? मेरी बात का मजाक उड़ाते हुए अनुमति के बिना उस झील से पानी पिया, इसलिए आज वो चित्र बनकर यहां खड़े। इतनी बड़ी गुस्ताखी! सिपाहियों, इस यक्षिणी का सर से धड़, धड़ से सर, जो भी हो धड़ाधड़, तुम जाओ और गिरफ्तार कर लो इस यक्षिणी को। हथकड़ी तो बहुत दूर की बात है, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। अगर प्रयत्न भी किया तो वहीं खड़े मूरत बन जाओगे। बलदेव जी, इन्होंने जहांपनाह को तस्वीर बना दिया, हम झील के किनारे थे, अचानक महल में पहुंच गए, यहां प्रकट हो गई, और आप इन्हें? ये यक्षिणी जी हैं। ओ यक्षिणी, हम भी ठेठ राजपूतानी है, कागज के सनम के साथ हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन सिर झुकने नहीं देंगे। आप तो गुजारा कर लेगी रानी साहिबा, प्रजा का क्या? प्रजा ये तस्वीर लेके घूमेगी? देखिए, हमें बात करने दीजिए। यक्षिणी जी, कोई तो रास्ता होगा, जापना को फिर से हमारे हंसते खेलते जापना बना दीजिए। आपके जापना ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था जिसका वो दंड भुगत रहे हैं। उस दंड से उन्हें मुक्त कराने के लिए, उन्हें फिर से जीवित करने के लिए किसी एक को मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अरे तीन क्या, आप 3000 सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे पास है भंडार दिमाग का। और सामान्य ज्ञान में तो हमें भी 100 में से पूरे 17 अंक मिले थे, तो कम से कम 17 सवालों के जवाब तो हम भी दे सकते हैं, क्योंकि शाही खून है हम। याद रहे, एक भी प्रश्न का गलत उत्तर तो जापना हमेशा के लिए तस्वीर में कैद रह जाएंगे, जन्मों जन्मों तक। क्या? यानी 28 जन्म हम इस कागज की सनम के साथ गुजारने होंगे? हम देंगे आपके प्रश्नों के उत्तर।
ये लेकिन लक्ष्मी जी आपको हमसे वादा करना होगा, यदि हमने आपके प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो आप हमारे जापना को पहले जैसा बना देंगे, उन्हें इस तस्वीर से आजाद कर देंगे। ठीक है बीरबल, कल हम इसी समय पर वापस आएंगे और आपसे 3 सवाल पूछेंगे। विदा। अरे कहाँ चल रहा है? भी इतने तंग होते जा रहे हैं। पानी में नीम की दवाई मिलाने सुरसरी और उसने वो पानी पिया भी। अब तो 2 दिन तक बस खर खर करता रहेगा। प्यार हुआ तो होने दो, नींद लगी तो सोने दो। यानी जब कल यक्षिणी आएगी तो उसके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं होगा और पाशा सलामत बन जाएंगे हमेशा के लिए। तस्वीर नहीं, तू भी बिल्कुल नहीं जानती, वो कब उठ जाएगा किसी को नहीं पता, इसलिए हुजूर ने भेजा है मुझे यहाँ अकबर की तस्वीर को सुहार करने, उसे आग लगाने। क्या तुम सही कह रहे हो सुरसुरी, ना रहेगा बास ना बचेगी बांसुरी। मेरे हुजूर बड़े मशहूर हो गई आपकी तमन्ना पूरी, अकबर चल के खा। अब बिरबल क्या, बिरबल का बाप 20 लाख से अकबर को पैदा नहीं कर सकता। मुबारक हो सुरसुरी। असली मुबारक बात तो हम हुजूर को देंगे। तुझे तो पता भी नहीं मसक्कली, उन्हें जो पुड़िया बिरबल के पानी में मिलाई थी वो कोई साधारण नीम की पुड़िया नहीं थी, उसे तो कोई गलती से चक भी ले तो सदा के लिए सोता ही रहे। मेरे हुजूर बड़े मशहूर, बिरबल अब तू कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं।